हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भाई दूज एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, माथे पर तिलक लगाकर आयु और समृद्धि की कामना करती हैं। इसके बदले में भाई भी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें तोहफा देते हैं। कलवा पुलिस स्टेशन में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को रंकापा युवती थाने जिला शहर अध्यक्ष पल्लवी शिवा जगताप, पूजा शिंदे, तेज श्री गोसावी, अन्य युवती पदाधिकारियों ने एसीपी घोसालकर और कलवा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर विजय दारेकर और अन्य पुलिस कर्मियों को मिठाई खिलाकर उनके लंबी उम्र की कामना की। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विजय दरेकर ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात घर परिवार और बहनों से दूर होने के बावजूद भी आज इन बहनों ने आकर तिलक लगाया, बहुत अच्छा लगा। आज त्यौहार के दिन बहनों की कमी महसूस हो रही थी, मगर इन बहनों ने वो कमी दूर कर दी है। वहीं एक मुस्लिम महिला ने भी कलवा पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी के माथे पर तिलक लगाकर आरती की और लंबी उम्र की कामना की। इसी को भारतीय संस्कृति, सभ्यता और गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है। इस मुस्लिम महिला ने भी भाईचारे का क्या संदेश दिया है वो भी हम सुनाएंगे, मगर ड्यूटी पर तैनात अपनी बहन को याद करते हुए इंस्पेक्टर विजय दरेकर ने भी क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। आज का त्यौहार बहुत भाई बहन का बहुत बड़ा त्यौहार रहता है और मैं आज अपने बहन के घर पे ड्यूटी के वजह से जा नहीं सकता था, मगर ये जो कलवा के जो सब ये हमारी बहनें आई थी, उन्होंने हमारे सगी बहन की जो यानी कहीं ना कहीं कमी थी जो पूरी कर, आपको बहन की कमी महसूस हो रही थी वो पूरी कर दी उन लोगों ने, और मैं उन सब बहनों का धन्यवाद करता हूँ। क्या नाम है आपका, और आज भाई दूज के मौके पर आप लोग पुलिस स्टेशन में आए थे और पुलिस वालों को मिठाइयाँ खिलाई, तो इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज मेरा नाम तमन्ना है, मैं आज यहाँ पर कलवा पुलिस स्टेशन के वहाँ पर आई हूँ। भाई दूज का एक जो प्रोग्राम है, जो त्यौहार है, इसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। मैं यूथी कांग्रेस के इसमें पार्टिसिपेट हुई हूँ, कांग्रेस यूथी कांग्रेस में, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये भाई दूज क्या होता है, और फिर यहाँ पर मुझे आकर पता चला। और जो हमारे भाई हैं पुलिस, इन सब का हमने आज उनको भाई दूज मनाया उनके साथ, और मुझे बहुत गर्व है और मुझे खुशी हुई कि यहाँ पर हमने कोई भेदभाव नहीं किया। रमज़ान हो, भाई दूज हो या दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हम सब मिलकर एक साथ मिलाते बनाते हैं। और इस बात की मुझे खुशी है कि पल्लवी मैम ने मुझे आगे बढ़ाया और इसके बारे में बताया कि कैसे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर इनके साथ सेलिब्रेट कर। पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिनको कभी छुट्टियाँ नहीं मिलती, हर त्यौहार हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, ईद हो, होली हो, उनको आना ही पड़ता है, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। और आज ये साल पूरा कोरोना का साल है, बड़ा महामारी का माहौल है, और ऐसे में उन पर 10 पट जिम्मेदारी बढ़ती है। तो भाई दूज का त्यौहार मनाते हुए हम लोगों ने आज राष्ट्रवादी युवती कांग्रेस की तरफ से इनिशिएटिव लिया है कि जो भाई हमारे लिए दिन रात खड़े होते हैं, तैनात होते हैं, उनके साथ हम ये त्यौहार मनाएं। तो इसीलिए आज हमने हमारे पुलिस भाइयों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की, उन्हें शुभकामनाएँ दी और भाई दूज का त्यौहार मनाया। मैं आपके माध्यम से मेरे तमाम भाई बहनों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे महाविकास आघाड़ी और राज्य सरकार ने जो भी हमें नियम दिए हैं कि हमें प्रदूषण मुक्त दिवाली मनानी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, ज़्यादा रश हो उस ऐसी कुछ चीज़ें ना करें, बाज़ारों में ज़्यादा गर्दी ना करें, तो ये सब इन सब नियमों का पालन करते हुए आप दिवाली मनाएं। और मैं सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।